प्रदेश सरकार में जो भी हो, गन्ना किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। 14 दिन के भीतर गन्ने के बकाए का भुगतान कराने का वायदा करने वाली योगी सरकार अब तक पेराई सत्र के ही बकाए का भुगतान नहीं कर सकी है। वहीं रही सही कसर चीनी मिलों ने पूरी कर दी, जहां अधिकारियों की मदद से चीनी मिल किसानों के गन्ने कम दामों में तौल कर उनको लूट रही है। इतना ही नहीं, गन्ना क्रय केंद्रों पर भी घट तौली से किसान परेशान है, जिस वजह से मजबूरन किसान बिचौलियों को गन्ना बेच रहे हैं। अरे बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। किसान का अभी अगले साल का भी भुगतान नहीं हुआ गन्ने का, और हम लोग मांझा क्षेत्र से हैं, हमारी फसल ही गन्ने की है, हम लोग सिर्फ गन्ने के बल पर जिंदा हैं। और 24 नवंबर से गन्ने की सप्लाई कर रहे हैं, हमारा भुगतान अभी तक एक पैसे का इस साल का भी नहीं हुआ, अगले साल का नहीं हुआ, हम बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, किसी के यहाँ माँ बाप बीमार हैं तो वो दवा नहीं करवा पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई की फीस नहीं दे पा रहे हैं, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, यहाँ तक कि कहीं आने जाने के लिए 10 रुपये किराया नहीं है किसी किसान के पास, गन्ने की छुलाई देना पड़ता 40 रुपये क्विंटल, 20 रुपये क्विंटल भाड़ा दे करके तब गन्ना सेंटर तक आता है। किसानों का कहना है कि चीनी मिलों के द्वारा न तो समय से पर्ची मिलती है और न ही गन्ना क्रय केंद्रों पर गन्ने के सही तोल मिल रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसानों से गुजरना पड़ रहा है। बहुत समस्याएं हैं, हम लोग अपनी खेती नहीं बुआई कर पा रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है, और हमारे यहाँ शादी विवाह पड़ रहा है उसके लिए कोई तैयारी नहीं हो पा रही है, बहुत सी परेशानियां हैं, बुआई जुताई है, बच्चों की फीस है, बहुत सारी समस्याएं हम लोग के पास, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ मुंडन है, किसी के यहाँ कुछ है, तो उसका मतलब मिल जो है पेमेंट नहीं दे पा रही है। 24 नवंबर से हम लोग गन्ना की सप्लाई कर रहे हैं, अभी तक एक भी भुगतान नहीं हो पाया है। पिछले साल का भी बाकी है, पिछले साल का भी अभी गन्ने का पैसा बहुत बाकी है, बहुत सारे किसान परेशान हैं। पिछले साल का भुगतान अभी, पिछले साल का मार्च का पैसा नहीं मिला है, और इस साल का भुगतान हुआ, इस साल का भी कोई पेमेंट नहीं मिला है। सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से ये उम्मीद है कि हम लोगों का पेमेंट दिलाए हम लोग, ताकि अपना व्यवस्था कर सकें, खेती पाती बुआई कर सकें। लेकिन वही जिला गन्ना अधिकारी ओपी सिंह को इस पूरे मामले में कोई कमी गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। जिला गन्ना अधिकारी का कहना है कि घटतौली की कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कहीं भी घटतौली किसी भी दशा में ना होने पाए, और अब तक के जो परिणाम रहे हैं वो ठीक परिणाम है कि कोई घटतौली का गंभीर मामला विकास में नहीं आया है। और छुटपुट जो मामले आए हैं उन पर क्या कार्रवाई? छुटपुट जो मामले आए हैं वो अभियोजन की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। जैसे एक मामला मनकापुर का था, उसमें अंतर था थोड़ा सा, तो उसको सहायक न्यायिक को अभियोजन की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया, कार्रवाई उसमें हुई है। और इसी तरीके से आगे के लिए सबको निर्देश दिए गए हैं कि इन क्रय केंद्रों पर भ्रमणशील रह करके किसानों की घटतौली की समस्या के साथ साथ भी और भी जो समस्याएँ अगर आती हैं तो उसके बारे में जानकारी दें। और साथ ही में अभी चूँकि वसंतकालीन गन्ने की बुआई चल रही है, तो जो वैज्ञानिक शोध हैं जिस तरीके से गन्ना बोया जाना चाहिए उसके बारे में भी किसानों को बताया जाए। इसके लिए हमने सभी क्रय केंद्रों पर एक एक फ्लेक्सी लगवाया है, जिसमें कौन सी गन्ने की प्रजातियों की आगे बुआई करनी है, कितनी खाद उसमें डालनी चाहिए, सबसे अच्छी जो गन्ने की वेराइटी थी CO0238, इस प्रजाति में लाल सड़न रोग लग रहा है, तो इसके लिए किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। किसान लगातार इसी शिकायत को अधिकारियों से कर रहे हैं, लेकिन कोई हल दिखता नजर नहीं आ रहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओम चंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।